मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा रविवार शाम इंदौर पहुंचने पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से उसका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद लेने निकले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंदौर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। विधि प्रकोष्ठ की ओर से अधिवक्ता विशाल बोराड़े के नेतृत्व में कई अधिवक्ता मंच पर एकत्रित हुए और यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता बोराड़े ने बताया कि अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित होकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने में भाजपा विधि प्रकोष्ठ पूरा सहयोग करेगी। भाई साहब बताएं, आज जन आशीर्वाद यात्रा है तो इसका कैसा क्या माहौल है? माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अहिल्या की पावन नगरी में जन आशीर्वाद यात्रा का आगमन हुआ है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री बना रहे उनका विधि प्रकोष्ठ की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा और इसी अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी इंदौर पधार चुके हैं और आज वे आम जनता से आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। इंदौर की जनता ने, पूरे मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि फिर से शिवराज सरकार बने और इंदौर की जनता यह अच्छी तरह से जानती है कि इतना बढ़िया शासन अभी तक किसी ने नहीं देखा जितना शिवराज सिंह की सरकार का चल रहा है। हम सब लोगों का प्रयास है कि शिवराज सरकार 200 विधान सीटों पर, जिले की 200 सीटों पर जीते और विधानसभा में फिर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सरकार बने। आपका नाम?